आप देख रहे न्यूज इटकी। न्यूज इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। डायन विसाही को लेकर मल्टी गांव में बासु राव नामक महिला की हत्या के नामजद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर इटकी पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। जेल भेजे गए लोगों में बिरसा उराव, दिनेश उराव और मनीष कच्छप के नाम शामिल है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मालूम हो कि पिछले दिनों डायन करार देकर बासु उराव की हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में बासु की पुत्री पुष्पा उराव द्वारा गांव के ही करीब दर्जन भर लोगों के विरुद्ध हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। इटकी थाना जो रांची जिला का है, वहाँ एक मल्टी गांव है। 5 तारीख को एक डेड बॉडी मिलने की सूचना हम लोगों को मिली थी थाना प्रभारी को, तो मैंने DSP और इनके नेतृत्व में टीम को वहाँ भेजा था। स्थानीय कुआ में बोरा में बंद एक डेड बॉडी मिला था जो महिला का था। आसपास के जब ग्रामीण के सहयोग से उसे निकाला गया तो उसका पहचान बासु उराइन के रूप में हुआ, जिनका उम्र करीब 62 ईयर्स ओल्ड थी। उनके शरीर पर और सर पर हार्ट ब्लंट सब्सटेंस से प्रहार किया हुआ था, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु हुई। FIR दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भेजा था। गांव में जब पता चला कि भाई आखिर ये क्यों मारा गया इसको, या कुआं में क्यों फेंका गया, तो पता ये चला कि बिरसा उराव का छोटा भाई अनीस उराव, जिसका उम्र करीब 15 वर्ष था, वो विगत कई महीनों से बीमार चल रहा था। और उन लोगों के ये दिमाग में आ गया कि जो बासु उराइन है, लेडी है, वही इनको डाइन कर दी है, जिसके वजह से ये ठीक नहीं हुआ और ये 1 तारीख को ही डेथ कर गया। इसी आक्रोश में रात्रि में कुछ एक लोग वहाँ मिल के उनको बुलाया, मसना स्थान होता है वहाँ पर, बुला के पूछताछ किया और शक संदेह के आधार पर कि इसने ही हमारे भाई को मार दिया है, जिसके एवज में लाठी डंडा से मारकर और उनको कुआं में छिपा दिया बोरा में बनकर। इस संदर्भ में 3 लोगों को अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है टीम ने हमारी, जिसमें एक बिरसा उराव है, दिनेश उराव, दूसरे मनीष लकड़ा, जो उसी गांव के रहने वाले हैं।